आज सिंगी के पत्ते का सांभर और सब्जी बनाएंगे। सिंगी का पत्ता ऐसा क्लीन करके धो के रखा है। जो सामग्री चाहिए, जीरा, काली मिर्ची, धनिया, टमाटर, थोड़ा सा नारियल, सांभर पाउडर, इमली, दाल थोड़ा बॉईल करके लिया है। अभी एक स्पून घी डाल के जीरा काली मिर्ची को थोड़ा भून लेते हैं। देखिए भून रहा है, इसमें वो हरी धनिया भी घी में भून रही हूँ। ऐसा भून के डालने से सांभर में अच्छा लगता है इसकी खुशबू। अभी दाल को दो विसल में बॉईल करके फिर उसमें सिंगी डाल रहे हैं। दोनों साथ डालने से बॉयल नहीं होता है दाल, इसलिए उसमें थोड़ा सा नमक डाल के ये एक विसल के लिए बॉयल कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि सांभर के लिए पानी चाहिए। तो अभी वो बॉयल होने तक मसाला मिक्सी कर लेंगे। ये जो भून के रखा है ना, वो मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। काली मिर्ची, जीरा, धनिया और नारियल, इमली, सांभर पाउडर, टमाटर, सब नाइस मिक्सी कर लेंगे, नाइस पेस्ट कर लेंगे। और ये दाल भी डाल रही हूँ, सब मिला के नाइस पेस्ट कर लेंगे। अभी दाल बॉईल हो गया है, पत्ता भी बॉईल हो गया है। इसको छेद वाले बर्तन में डाल के फिल्टर कर लेंगे, पानी अलग और सिंगी का पत्ता अलग। अभी इसको चोंक लगा रही हूँ, पत्ते को चोंक लगा रहे हैं। तेल डाला है, राई, हिंग, करी पत्ता, एक दो ग्रीन मिर्ची, इसको भून लेते हैं। अभी इसमें सिंगी का पत्ता जो बॉईल करके फिल्टर करके रखा है ना, वो इसमें डाल रही हूँ। नमक, थोड़ा सा नमक दाल में भी डाला था तो देख करके नमक डालें। नारियल, ये सब अच्छा मिक्सी करके एक मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तब तक ये सांभर को मिक्स करेंगे। जो फिल्टर किया हुआ पानी है उसमें जो पीसा हुआ मसाला है वो इसमें डाल रही हूँ। मिक्सी धो के वो भी पानी इसमें डाला है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक टेस्ट देख करके डाले। देखिए तब तक ये बॉईल हो गया है, पक गया है सब्जी। अभी सांभर को चोंक लगा रही हूँ, तेल डाल रही हूँ। इस सांभर में कड़ी पत्ता, कच्चा कड़ी पत्ता ऐसे ही डाला है। अभी राई डाल रही हूँ, हिंग, जीरा, एक लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता, इसको सांभर में डाल रही हूँ। ये सांभर एक मिनट के लिए बॉईल कर लेने से सांभर रेडी हो जाएगा। ये बॉईल होने तक सिंगी का पत्ता जो सब्जी बन गया है उसको बाउल में मैं शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे आयरन बॉडी को बहुत अच्छा मिलता है। ये साउथ का स्पेशल सांभर है। इसको कन्नड़ा में बस्सारो कहते हैं, तेलुगु में वंचिन सारो कहते हैं। अभी ये पक गया है, इसको भी सर्विंग बाउल में निकाल दिए। बस सारो रेडी, सिंगिंग का पत्ता का सब्जी और सांभर रेडी हो गया है।